अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हमजा अली और आप सब देख रहे हैं H4 हमजा व्लॉग्स। तो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो गाइस, हुआ ये कि दो दिन पहले जो है हमारा घर का दरवाजा है वो टूट गया था। ऐसे रैंडमली मैं जब जिम से आया तो दरवाजा खोला घर का, तो ना दरवाजा हिल रहा था, यानी नीचे से टूट चुका था फुल। तो रात पूरी तो टेंशन में रही है। फिर सुबह हुई तो हमने कुछ ना कुछ करना था, जाहिर बात है, क्योंकि बाहर का दरवाजा मेन दरवाजा था। तो इसलिए हमने जो है ना, फिर मैं गया वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं तो उनको मैं ले गया। फिर जो है ना, उन्होंने दरवाजा वेल्ड किया। तो ये वीडियो तो दो दिन पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो परसों फिर मैच आ गया था पाकिस्तान और इंडिया का, तो बस फिर पहले वो ब्लॉग अपलोड करना पड़ा, तो ये ब्लॉग एक दो दिन लेट हो गया। तो इसमें ब्लॉग वगैरह तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ये ब्लॉग है कि मैंने अपने कैमरे से शूट किया था कि कैसे किस तरह से जो है ना वो दरवाजा हमारा फिट हुआ था, स्टिचेस लगी थी, फिर दरवाजा वेल्ड करके जो है ना किस तरह से फिट किया था। तो अभी फिलहाल मैं दूध पी रहा हूँ, सेम है, मुझे भूख लगी है, तो थोड़ा सा जो है खा भी लूँ, फिर आपसे ना वीडियो शेयर करते हैं कि किस तरह से जो है ना हमारा दरवाजा वेल्ड हुआ था। सबसे पहले मैं थोड़ा मुझे खाने दें ताकि एनर्जी आ जाए, फिर एनर्जी के साथ वीडियो बनाएंगे, टेंशन नहीं लेने आपने। अगर आपने पीना है तो आज एक गाय इकट्ठे पी लेते हैं दूध और इकट्ठे खा लेते हैं सेब। अब खा पी लिया, तो अब दिखाता हूं मैं आपको वीडियो कि किस तरह से मैंने जो है ना वीडियो शूट किया है और किस तरह से हमारा जो है ना दरवाजा दोबारा से ठीक हुआ है, वेल्ड हुआ है। तो सबसे पहले दिखाता हूं आपको मैं वीडियोस। तो गाइस, जैसे ही मैं उठा, मैं सो रहा था पहले, मैंने देखा कि अब्बू जो है ना वो वेल्डिंग वाले आए खड़े हैं, अब्बू उनके साथ खड़े हैं, दरवाजा जो है ना ठीक करवा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये मशीन उठाई जो आप देख रहे हैं, ये जो है बेसिकली ये कटर मशीन है, इसके आगे ब्लेड लगी होती है जो लोहे वाली चीजों को ना काटती है, लोहा लोहे को काटता है, सुना होगा आपने। तो हाँ, ये वो काट रहे हैं, सबसे पहले उसके कब से काट रहे हैं। तो अब यह थोड़ा मार रहा है कब्जे के ऊपर ना, दरवाजे के कब्जे के ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप कब्जे के ऊपर इसने मारा है, तो ये दरवाजा अलग हो गया है। अब जो है इसको अलग पकड़ के इसको नीचे रख रहे हैं ताकि जो है ना वहाँ पे जो कब्जे वगैरह है उसको दोबारा से अच्छी तरह से ना सेट कर सकें। तो ये इसने लड़के ने यह दरवाजा नीचे रख दिया है और इसको आराम से अब्बू खड़े तो अब्बू को पीछे करके उसने दरवाजा नीचे लिटा दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये दरवाजे के कब्जे के ऊपर ही मार है, क्योंकि दरवाजे के कब्जे ही होते हैं जिसके जरिए ना दरवाजा खड़ा होता है। दरवाजे के कब्जों के ऊपर ना पहले तो इसने थोड़ी से उसको सेट किया, अब ये ब्लेड मार है, देखें इसकी चिंगारियां निकल रही हैं, ठीक है ना। लोहे से लोहे जब काटा जाता है तो चिंगारियां निकलती हैं, ये देख लें आपके सामने ही। तो बेसिकली ये जो नीचे आप प्लांट देख रहे हैं, जो ये प्लांट पड़ा हुआ है, ये बेसिकली इसके अंदर पता नहीं क्या है, ये मुझे पता खुद भी नहीं है। बस ये पता है कि जो इसके साथ ये जो उसको येलो वाला ये दे रहा है ना, इसके अंदर एक तार लगती है छोटी सी ना लोहे की, तो फिर ये लोहे के साथ वो लोहा लगाते हैं ना, तो फिर ये ना चिंगारियाँ निकलती हैं जिससे स्टिचेस लगाए जाते हैं, जिससे जो है ना वो वेल्डिंग होती है वो वाली जगह जहाँ स्टिचेस लगते हैं।
तो आप कब्जे वगैरह लगा के वापस ये दरवाजे को वापस फिट कर रहा है, जहां से जहां पे ये लगा वापस उसको वहीं पे फिट कर रहा है। ये तो गाइस अब इसने ना वो तार उठा ली जिससे स्टिचेस लगाने हैं। ये देख सकते हैं आप, ये दरवाजे को दोनों बंदों ने पकड़ा हुआ है और ये स्टिचेस लगा रहे हैं उसी तार की मदद से ना, जो वायरिंग जो वायर थी इसके पास। ये देखिए ऊपर से भी स्टिचेस लगा रहा है और नीचे से भी स्टिचेस लगा रहा है ताकि दरवाजा जो है ना फुल एक जगह पे खड़ा हो जाए, फुल यानी मजबूती से ना वापस फिट हो जाए। तो वापस फिट कर रहे हैं, तो देखते रहे गाइस पूरी वीडियो देखें कि किस तरह से ये फिट करते हैं दरवाजा। तो अभी तक ये स्टिचेस ही लगा रहा है क्योंकि दरवाजे की मजबूती के लिए जितने ज्यादा स्टिचेस लगेंगे उतने ही ज्यादा दरवाजे की ना मजबूती होगी, दरवाजा पकड़ उतनी अच्छी करेगा। तो ये बंदा वैसे काम का था यार, अच्छा बंदा था। मैंने सोचा था कि इतना ज्यादा काम है क्योंकि दरवाजा एक जगह से उखेड़ना है, फिर उसको सेट करना है, फिर दूसरी जगह पर लगाना है, तो टाइम लग जाएगा काफी ज्यादा। तो इसने टाइम नहीं लगाया, 10-15 मिनट में इसने काम फिट कर दिया था। खोल के चेक कर रहा है कि क्या देखा, दरवाजा ठीक तरह से फिट हो गया या नहीं हुआ। गाइस ये दरवाजा फिट हो गया, देखें ऊपर वाला कब्जा भी लग गया फुल होके करके और नीचे वाला कब्जा भी फुल होके करके लग गया। अब देख लेंगे हमारा दरवाजा जो है ना फुल ओके होके फिट हो गया। मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें ये जो है कि दरवाजा हमारा फुल लग गया है, ओके की रिपोर्ट है। अब जो है ना अबू को मैंने कहा अबू खोल के चेक करें कि दरवाजा आपको कैसा लगा, ठीक लगा या नहीं लगा। फिर अबू ने दूसरा दरवाजा भी खोला कि दरवाजा दोनों तरफ से जो ना, क्योंकि दोनों दरवाजे उसने सेट किए थे, दोनों दरवाजों की सेटिंग की थी, दोनों दरवाजे सेट हैं, बस ठीक है। मैंने अबू को कह दिया कि बंद कर दें दरवाजा। गाइस यही थी पूरी वीडियो दरवाजे की, आपने देख लिया कि दरवाजा कैसे फिट होता है। तो ये थी वीडियोस जो आपने देख ली कि किस तरह से हमारा जो दरवाजा वेल्ड हुआ ठीक हुआ है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है आपने उसको लाजमी देखना है क्योंकि वो एक फनी वीडियो है। उसमें जो है ना हम 5-6 जने हैं, मैं, फैसल, नवीद और एक मेरा चाचू का बेटा जो है ना वासिक, हम 4 जने हैं। और आलोडा उस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसलिए उस वीडियो में आलोडा नहीं होगा। तो एक वो फनी वीडियो है तो इंटरेस्टिंग होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। तो अगली वीडियो लाजमी आपने देखी नहीं है, अगली वीडियो मिस नहीं करनी है आपने। तो बस गाइस यहीं पर एंड करते हैं इस ब्लॉग के। तो कैसे लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर, तो मैं हर वीडियो में कहता रहूंगा आपसे कि सब्सक्राइब मारो। तो बस यहीं पर एंड करते हैं ब्लॉग के, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह नेकी।